चलिए इसके बाद मैं चलूँ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर, मैं उसके और चलता हूँ जो कि मेरा ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलिए चलिए 12 नंबर मैं यहीं पर लिख दूँ। ठीक है, ट्रू फॉल्स है बेसिकली, 12 यहाँ पर लिखता हूँ। इसमें कहा गया है सबसे पहला कि 1 2 3 4 5 एक सेट है, और एक है मेरा 3 6 का सेट, और कह रहा कि क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा, क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट यानी कि इंटरसेक्शन 5 हो जाए, तो क्या इस दोनों में एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है? अगर एक भी एलिमेंट अगर नहीं मिलेगा तो वो डिसजॉइंट सेट होगा और वो ट्रू हो जाएगा। तो क्या इसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो 3 तो मेरा मिल रहा है, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा जी? क्योंकि मेरा 3 तो मिल रहा है ना, एक एलिमेंट मेरा 3 तो दोनों में कॉमन है ना, कॉमन इंटरसेक्शन अगर मेरा 5 हो गया, कॉमन एलिमेंट अगर दोनों में कुछ भी नहीं रहा तो वो मेरा डिसजॉइंट कहलाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों से डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट कैसे होगा? यहाँ पर तो मेरा 2 एलिमेंट मिल ही रहे हैं, एक 3 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों ही सेट में है, तो इंटरसेक्शन तो मेरे यहाँ 5 हुआ नहीं, तो ये डिसजॉइंट होगा नहीं। सेकेंड नंबर, उसमें कहा गया है ए ई आई ओ यू का है, एक है ए बी सी डी का। चलिए मैं उसको मिटा रहा हूँ। एक सेट है ए ई आई ओ यू इसका, और एक सेट है ए बी सी और डी का, ए बी सी डी। हाँ, तो क्या ये और क्या बोल रहा है कि ये जो है ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट कैसे है ये? यहाँ पर तो ए मिल रहा है, हाँ एक एलिमेंट मेरा यहाँ पर ए मिल रहा है, यानी कि ए तो यहाँ मेरा मिल रहा है ना, तो इंटरसेक्शन का 5 तो हुआ नहीं, तो ये डिसजॉइंट कैसे होगा? यानी कि ये भी मेरा हो गया फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन में जो है ना वो रीजन भी मांगा है कि जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर को आप जस्टिफाई को अच्छे से कर सकते हैं कि पहले वाले में क्या था कि 3 जो है वो दोनों जगह है, तो यानी कि यहाँ पर जो है दोनों ही सेट में इंटरसेक्शन क्या हो गया, 3 हो गया, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है, चलिए इसको कोई सेट ए बोल दिए, इसको कोई सेट बी बोल दिए, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी वो 5 नहीं है, वो क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो 5 नहीं है तो ये फिर डिसजॉइंट कैसे होगा, फॉल्स हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पूछ रहा है कि 2 6 10 14 एक ये सेट है, और एक सेट मेरा होगा वो है मेरा 3 7 11 15 3 7 11 और 15। क्या इसमें इंटरसेक्शन है? बोल रहा है कि ये जो है ये डिसजॉइंट सेट होंगे, यानी कि इसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो देख करके बताइए क्या इसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है? अगर ये कोई सेट ई है और ये कोई सेट अगर एफ है, तो क्या ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 है? हाँ, इसमें तो एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये क्या होगा, ट्रू होगा। लास्ट है मेरा 2 6 10 का है, एक 2 6 10 एक सेट मेरा ऐसा है, और एक सेट दिया गया है 3 7 11 3 7 11, और बोल रहा है कि क्या इसमें कॉमन एलिमेंट होंगे, बताना है ये डिसजॉइंट। ये कह रहा है कि ये डिसजॉइंट है, तो क्या ये डिसजॉइंट होगा? क्या इसमें जी और एच में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है? तो हाँ नहीं है, यानी कि ये वाला भी मेरा ट्रू होगा, ये भी मेरा ट्रू होगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 12 तक डिटेल में। ठीक है, I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way.